हे दोस्तों, एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्ब की, ठीक है, जो बेसिकली बॉम्ब, ठीक है। तो अधिकतर लोग समझते हैं बॉम्ब मतलब फूटने वाला बॉम्ब, तो फूटने वाला बॉम्ब नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बॉम्ब, बॉम्ब मतलब BOM, ठीक है, मतलब हुआ बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें तो बिल ऑफ मटेरियल किसके लिए यूज होता है? जनरली बिल ऑफ मटेरियल किसी भी असेंबल्ड प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, किसी टूल डिजाइन के लिए, किसी मोल्ड टूल के लिए, या फिर किसी प्रेस टूल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो बिल ऑफ मटेरियल उसके लिए हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले मोल्ड की। तो भाई मोल्ड के लिए हम लोग बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? एक्सटेंसिव लिस्ट होती है जिसमें रॉ मटेरियल, कंपोनेंट या फिर साइज के बारे में बताया जाता है। तो रॉ मटेरियल, कंपोनेंट और साइज के बारे में उसके अंदर बताया जाता है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन कुछ रिक्वायर्ड होता है कंस्ट्रक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट। तो वो भी इंफॉर्मेशन हमको उसके अंदर देनी होती है। तो सबसे मेन पॉइंट जो चाहिए हमें बिल ऑफ मटेरियल में वो है रॉ मटेरियल एंड द कंपोनेंट की लिस्ट, राइट, ठीक है। टाइप ऑफ बॉम्ब की बात करें तो बॉम्ब दो तरह के होता है, एक होता है बॉम्ब बिफोर डिजाइन, एक होता है बॉम्ब बिफोर आफ्टर डिजाइन, ठीक है। तो बेसिकली अगर बिफोर डिजाइन की बात करूं तो वहां पर हमारे पास दो चीजें नहीं होगी, एक तो रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है भाई। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग उसकी कैसे करेंगे जब रॉ मटेरियल भी नहीं है, डिजाइन भी नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली डिजाइन के पहले अगर हम लोग बॉम्ब देखेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, आपकी कॉस्टिंग ज्यादा जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं बॉम्ब आफ्टर डिजाइन की। तो बॉम्ब आफ्टर डिजाइन में बेसिकली आपके पास क्या होता है? रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन हो जाती है। आपको पता है कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है जब आपका डिजाइन एक बार कंप्लीट है? मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको पता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कितनी कॉम्प्लेक्स होने वाली है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन मटेरियल की भी है आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पता है कि उसके अंदर ADM लग रहा है या फिर VMC लग रहा है या फिर CNC मशीनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो बॉम्ब है, बिल ऑफ मटेरियल है, वो बिल्कुल सही तरीके से आप क्रिएट करोगे, राइट, ठीक है। तो हम लोग बॉम्ब आफ्टर डिजाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मोल्ड को डिजाइन किया हुआ है, राइट। तो मोल्ड का डिजाइन क्यों किया है भाई, कैसे किया है? क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई कैसे किया है? देखो, यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप NXGenic या सॉलिड वर्क या क्रियो किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप मोल्ड को डिजाइन करना सीख सकते हो। तो इसके लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे भाई मोल्ड डिजाइन के, राइट। चलो, मेथड फॉर प्रिपेयरिंग बॉम्ब। अगर मैं मेथड की बात करूं कि भाई मेथड अगर मेरे को प्रिपेयर करना है किसी बिल ऑफ मटेरियल को, उसकी मेथड क्या कहलाती है? देखो, इसके अंदर होता है पार्ट नेम, पार्ट साइज, है ना, क्वांटिटी, मटेरियल एंड रिमार्क, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नेम के बारे में। देखो, पार्ट नेम मतलब क्या हुआ, इट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट नेम। देखो, यहाँ पर क्या है, मोल्ड दिख रहा है आपको, मोल्ड बेस, यहाँ पर गाइड पिलर है ना, सेंटरिंग स्लीव और गाइड आपको स्लीव दिख रहा है, राइट, ठीक है। इसके अंदर कुछ और भी पार्ट होते हैं, जैसे टॉप प्लेट के बारे में बात कर लो, कैविटी प्लेट, ठीक है। तो इसके सभी के अलग अलग नाम है, कोर प्लेट, इसी तरह से स्पेसर है, और नीचे आपको एक और प्लेट दिख रही है, बॉटम प्लेट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये अलग अलग प्लेट के अलग अलग एलिमेंट के या चाइल्ड पार्ट्स के नाम है जो कि आपको वहां पर बताना पड़ेंगे, राइट। अब बात करते हैं पार्ट साइज के ऊपर। पार्ट साइज मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पार्ट साइज मतलब लेंथ, वेट और हाइट, मतलब उसके डायमेंशन क्या है, आपको ये चीज आपको शो करनी पड़ेगी। लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो है परचेस द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल को परचेस करना है ना कस्टमर को, कोई लेंथ, विड्थ और हाइट की जरूरत पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लेंथ और विड्थ किसी भी ब्लॉक की आपको शो करनी पड़ेगी, इज इट क्लियर? तभी कस्टमर की मटेरियल को परचेस कर सकता है, इज इट क्लियर। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी होगी, वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, अब डिपेंड करता है कि भाई किसी भी पार्ट की, किसी एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए स्पेसर ब्लॉक की क्वांटिटी जो होती है वो दो होती है, ठीक है, तो आपको वहां पर बिल ऑफ मटेरियल में शो करना पड़ेगा। इसी तरह से गाइड प्लेयर और गाइड बुश की जो क्वांटिटी होती है वो चार होगा, वहां पर गाइड आपको बॉम्ब में शो करना पड़ेगा, बिल ऑफ मटेरियल में आपको बताना पड़ेगा कि वहां पर उसकी क्वांटिटी चार है, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल के बारे में। देखो, मटेरियल क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस या फिर उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हार्ड मटेरियल हम लोग यूज करते हैं फॉर द कोर एंड कैविटी, ठीक है, जनरली P20 मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक में, इज इट क्लियर, ठीक है। तो लेकिन प्राइस ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर कि भाई जितना हार्ड मटेरियल ज्यादा होगा ना, जितना हार्डनेस उसको ज्यादा किया जाएगा, उतना ही वो महंगा मटेरियल होगा, राइट। तो वहां पर प्राइस उसके ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हमको वहां पर शो करना पड़ेगा, बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कॉस्टिंग, राइट। चलिए बात करते हैं रिमार्क की। अच्छा, रिमार्क मतलब क्या हुआ, एनी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग अगर हमको कोई रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए, किसी एलिमेंट को बनाने के लिए, तो हम लोग वहां पर
उसको रिमार्क करेंगे, बताएंगे राइट। स्पेसिफिक हार्डनेस अगर हमको जरूरत है किसी मटेरियल के लिए, जैसे कोर और कैविटी के लिए, P20 के बाद में फॉर एग्जाम्पल, लेकिन P20 में हार्डनेस नहीं होती भाई, अगर कोई दूसरा मटेरियल है तो उसके अंदर, अगर उसके अंदर हार्डनेस अगर रिक्वायर्ड है हमको, तो हमको वहां पर बतानी पड़ेगी। स्पेसिफिक हार्ड स्टैंडर्ड कंपोनेंट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड कंपोनेंट लाइक स्प्रिंग या बेयरिंग या गियर, ठीक है, किसी कंपनी का यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, किसी दूसरी कंपनी का बेयरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर हमको शो करना पड़ेगा रिमार्क में एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल राइट। तो हमको वो भी बताना पड़ेगा, किसी भी मटेरियल के रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो रिमार्क में आपको बताना पड़ेगा, ताकि उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो, या फिर आप बोल सकते हो परचेस कस्टमर उसको अच्छे से कर सके। तो दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। चलिए यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कंप्लीट मोल्ड है। इस कंप्लीट मोल्ड के अंदर हम एक एक पार्ट को देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा इसको पोर्शन को हाइड करता हूँ, तो ये हमारे बेसिकली क्या है, ये हमारी है यहाँ पर, ये टॉप प्लेट है ठीक है। ऊपर नीचे देखोगे तो ये दिस इज द बॉटम प्लेट ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ यहाँ से ठीक है। उसके बाद ये वाला है हाउसिंग, कैविटी हाउसिंग, और ये हमारा प्लेट है ठीक है। तो सी हियर, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं हाइड करके देखता हूँ, ये देखो सी हियर ओके। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द, आप बोल सकते हो कि भाई ये हमारा क्या है, ये है कैविटी इंसर्ट ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेगा ये है हमारा कोर इंसर्ट, यहाँ पर इसके अंदर कोर इंसर्ट है ठीक है। और ये वाला जो है ये है कोर हाउसिंग, यहाँ पर कोर हाउसिंग नजर आ रहा है राइट। इसके अंदर एक और इंसर्ट आपको नजर आ रहा है लाइक दिस ठीक है। और ये है आपके दोनों स्पेसर, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, और ये बॉटम प्लेट। यहाँ पर आपको एक स्लाइडर दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा एक सेक्शन व्यू काट के दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी। देखो जरा लाइक दिस, ये कंप्लीट एक मोल्ड है जिसके अंदर हम लोग, जिसका बॉम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बिल ऑफ मटेरियल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं राइट ठीक है लाइक दिस। इसको एक बार हम लोग एक्सप्लोर्ड व्यू में भी हम लोग देखते हैं कि भाई ये एक्सप्लोर्ड व्यू में किस तरह का नजर आएगा ठीक है। तो इसको मैं सभी को ले आता हूँ, सभी पार्ट को ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो भाई सी हियर ठीक है। तो यहाँ पर टॉप प्लेट है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन दिख रहा है ये दिस इज नथिंग बट दिस इज द फिक्स्ड हाफ, ये फिक्स्ड हाफ वाला पोर्शन है। इसको अगर मैं हाइड करूँ तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा फिक्स्ड हाफ वाला पोर्शन है। यही वाला पोर्शन इसके अंदर क्या करेगा, इंटर करने वाला है लाइक दिस, एंड देन स्लाइडर विल बी क्लोज, स्लाइडर क्लोज होंगे उसके बाद ही ये काम करेगा राइट। और मटेरियल इसके अंदर पूरी तरह से फीड हो जाएगा, भर जाएगा, और कंपोनेंट विल बी रेडी आफ्टर कूलिंग राइट ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट मोल्ड, मैं इसको थोड़ा सा इधर से और बता देता हूँ लाइक दिस ठीक है। तो इसके अंदर सिंगल सिंगल पार्ट है जिसके अंदर हम लोग जिसका बॉम्ब क्रिएट करेंगे ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक्सप्लोर्ड व्यू नजर आ रहा है, इस एक्सप्लोर्ड व्यू में आपको एक एक एलिमेंट नजर आ रहे हैं कि एक एक एलिमेंट क्या है किसी भी मोल्ड टूल के बारे में ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा साइड में करूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज द बॉम्ब, ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल है किसी भी मोल्ड के बारे में। देखो बॉम जो होता है, बिल ऑफ मटेरियल अलग अलग भी हो सकता है, कंपनी वाइज इसको थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैनर है वो इसी तरह से है कि नेम, साइज, क्वांटिटी और मटेरियल। मैंने रिमार्क इसके अंदर नहीं दिया है क्योंकि उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको जब रिक्वायरमेंट है तो एक और आप इसके अंदर कॉलम को क्रिएट कर सकते हो राइट। चलो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और एक एक एलिमेंट को हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखो जनरली टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट ठीक है, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट की जो मटेरियल होता है वो MS या फिर C45 मटेरियल ले सकते हैं। MS हम लोग कब लेते हैं, जब हमको लॉन्ग लाइफ नहीं चाहिए। अगर लॉन्ग लाइफ चाहिए, अगर मोल्ड की वो नंबर ऑफ शॉट्स ज्यादा चाहिए और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा चाहिए, तो C45 मटेरियल यूज कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी 1:1 रहेगी राइट। बात करते हैं कोर प्लेट हाउसिंग के बारे में, जिसके अंदर इंसर्ट प्लेस करते हैं ठीक है। तो कोर हाउसिंग प्लेट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका मटेरियल MS या फिर C45 हो सकता है, इसकी क्वांटिटी 1 रहेगी ठीक है। इसी तरह से कैविटी प्लेट हाउसिंग, जिसके अंदर कैविटी के इंसर्ट को हम लोग प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर MS और C45 मटेरियल इसका हो सकता है, क्वांटिटी इसकी 1 हो सकती है राइट। देखो स्पेसर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो स्पेसर ब्लॉक दो होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसका MS और C45 मटेरियल हो सकता है, उसकी क्वांटिटी 2 हो सकती है ठीक है। यहाँ पर गाइड प्लेयर और गाइड बुश की बात करते हैं, जो कि मोल्ड को या फिर फिक्स्ड हाफ को, मूविंग हाफ को अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट के काम आता है राइट। इसका मटेरियल जो होता है EN353, विच इज द स्टैंडर्ड मटेरियल, जो स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, और EN31 मटेरियल इसका हो सकता है। इसकी क्वांटिटी बेसिकली 4 होती है राइट। स्प्रू बुश की क्वांटिटी 1 होती है राइट। इसका मटेरियल P20 मटेरियल होता है राइट। हम लोग ले सकते हैं P20 मटेरियल क्योंकि बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल से ये टच होगा राइट, दैट्स व्हाई।
ओके okay? लेकिन बेसिकली क्या हो गया होता है कि इसको अलग मटेरियल का भी हम लोग ले सकते हैं। अगर ये कंपोनेंट से टच होगा तो P20 मटेरियल का लेंगे, अगर कंपोनेंट से टच नहीं होगा तो हम लोग P20 का ना भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकेटिंग रिंग बेसिकली एक जो मशीन नोजल होता है उस मशीन नोजल को स्क्रू गुश से ये लोकेट करने के काम आती है, फिर सेंटर अलाइन करने के काम आती है। इसका जो मटेरियल MS हो सकता है और क्वांटिटी 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो स्लाइडर ब्लॉक, ठीक है, स्लाइडर ब्लॉक बेसिकली एक्सटर्नल अंडरकट को रिलीज करने के लिए काम आती है। इसका जो अगर पूरा मटेरियल लूंगा तो P20 लूंगा, तो क्वांटिटी इसकी डिपेंड करती है कितने एक्सटर्नल अंडरकट उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरह से गाइड रेल, तो गाइड रेल का मटेरियल MS और C45 हो सकता है। इसका जो क्वांटिटी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है स्लाइडर ब्लॉक कितने हैं, राइट, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करूं तो सिंगल सिंगल बहुत सारी गाइड रेल हो सकती है, राइट। ओके, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट की बात करूं तो इसका मटेरियल C45 मटेरियल हम लोग लेंगे, क्वांटिटीज की 1:1 रहेगी दोनों के लिए, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं इजेक्टर पिन्स और रिटर्न पिन के बारे में, दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जो मटेरियल हो सकता है P20 और C45 मटेरियल हम लोग रिटर्न पिन के लिए ले सकते हैं, इज इट क्लियर। ठीक है, क्वांटिटी इसकी डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट, पार्ट के ऊपर डिपेंड करती है कितनी इजेक्टर पिन हमको रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रिटर्न पिन की तो ये तो हम लोग 4 ही लेते हैं, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्ट बटन की, तो रेस्ट बटन इजेक्टर किट के पीछे लगता है कि उसको रेस्ट प्रोवाइड करा सके। बड़े मोल्ड अगर होते हैं उसमें क्वांटिटी हम लोग 6 देते हैं, छोटे मोल्ड होते हैं तो वहां पर हम लोग 4 के क्वांटिटी ले सकते हैं रेस्ट बटन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट, जिससे हमारा कंपोनेंट बन के तैयार होगा भी, कंपोनेंट बन के इन्हीं दोनों से तैयार होगा। और इसका मटेरियल हम लोग क्या लेंगे, जो डाई मटेरियल होगा P20 मटेरियल होगा, जो रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ शॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी क्वांटिटी एक एक रहेगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ अगर इंसर्ट बेसिकली डिपेंड करता है, अभी मैंने एक इंसर्ट बनाया हुआ है, अगर आप अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग इंसर्ट बनाओगे तो सी क्वांटिटी चेंज भी हो सकती है, इज इट क्लियर। ठीक है, जब कंप्लीट बॉम मटेरियल जब हमारा बन के तैयार हो जाता है, बिल ऑफ मटेरियल जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो बेसिकली मटेरियल को परचेस करना होता है। मटेरियल क्या कौन कौन सा परचेस करेगा, कोई भी कस्टमर, या तो MS, P20, C45 और या फिर AN353 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या है, मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, मोल्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर ग्राइंडिंग प्रोसेस होगा, है ना, CNC या फिर VMC प्रोसेस होगा, उसके अंदर होल होगा, ड्रिलिंग होगा और बहुत सारे ऑपरेशन होंगे इनटू द टूल रूम। एक बार जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हमारा गोल्ड बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए भाई खुश हो जाइए कि आपका मोल्ड बन के तैयार हो गया। नहीं भाई, खुश होने की जरूरत नहीं है, डोंट हैप्पी, डिजाइन इंजीनियर का वर्क अभी भी बाकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोल्ड बन के तैयार हो गया तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं, मोल्ड का ट्रायल होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कंपोनेंट कैसा बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो वहां पर आपके जो डिजाइन आपने जो किया है मोल्ड का, वहां पर आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो डिपेंडिंग अपॉन दैट मॉडिफिकेशन मोल्ड के अंदर रीवर्क होगा। ठीक है, मोल्ड के अंदर रीवर्क होगा तो कंपोनेंट के अंदर फ्लैशेस हो सकते हैं, डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर वॉरपेज हो सकता है, या वॉइड्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर से आपको डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।